सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भरत जी महाराज कहते हैं कि उनके द्वारा ही इस भारत भूमि का नाम भारत पड़ा। पहले तो इस देश का नाम था अजनाभवर्ष। कई नाम हुए इस भारत भूमि के, जिसमें एक नाम था अजनाभवर्ष। पहले तीन भरत की चर्चा आती है, तीनों भरत के नाम पे माना जाता भारत भूमि का नाम भारत पड़ा। लेकिन इस भारत भूमि का पूर्व नाम था अजनाभवर्ष। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं भरत जी के उपदेश परिणाम स्वरूप इसका जीवन बदला। लेकिन एक बात बड़ी सुंदर है, आज परीक्षित जी महाराज ने जिज्ञासा कर दी, प्रभु कुछ अपराध हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं, वो जो जाने अनजाने में अपराध होते हैं उनसे कैसे निवृत्ति हो। अच्छा, जाने अनजाने में कमांडेंट साहब कैसे अपराध होते हैं, हम चल रहे होते हैं तो हमारे पांव के नीचे छोटे छोटे जीव जंतु आ जाएं, वो मरते हैं, चींटियां मरती हैं, अन्य जीव जंतु मरते हैं, तो ये भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। हम झाड़ू लगा रहे होते हैं घर में तो भी छोटे मोटे जीव जंतु आदि मरते हैं, तो भी अपराध होता है। हम भोजन बनाते हैं, आज गैस चूल्हा है तो भी मान ले, आजकल गेहूं पिसाने के लिए भेजो ना, अब दो चार दस घुन रह जाए उसमें तो सीधे लोग कह देते काम करो, अरे दो चार घुन में तो है कौन होमा खून होते पिसवा लो। और मान लिया वो हम पिसवाते हैं तो भी अपराध होता है, जीव जंतु आदि मरते हैं। तो जाने अनजाने में बहुत ऐसे अपराध हैं जो हमसे हो जाते हैं। कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं, ऐसी वाणी नहीं बोली थी जिसके किसी को पीड़ा न पहुंचे, लेकिन निकल जाती है कभी हमसे जाने अनजाने में ही, वो अगला दुखी हो जाता है उस भाषा से, तो वो भी पाप है। तो इन अपराधों से कैसे मुक्ति मिले, तो उत्तम साधन कहा गया है पंचग्रास हम नित्य निकालते हो। देखिए पहले हमारे यहां सनातन परंपरा में था कि पंचग्रास नित्य निकलते थे, चीटी के निमित्त नित्य ग्रास निकाले। अच्छा, लोग कहते महाराज जहां समान रखो वहीं चीटियां लग जाती हैं, करें क्या बिचारी। पहले एक मर्यादा होती थी, आटा लेकर के जहां चीटियों के झुंड होते थे वहां लोग डाल देते थे, चीटियां वहां से खा के अपने घर में चले जाती थी। लेकिन आज ये परंपरा टूट गई, हमको आपको भी नित्य नियम से करना चाहिए, जहां चीटियों का तो क्यों आपके यहाँ वो अतिक्रमण करेंगे, जब उनको अपना आहार उनके घर कुटिया जहां बिल में रहती हैं चीटियां तो उनके बिल के निमित्त आपस में आटा मिल जाए तो दूर क्यों जाएंगी वो, तो चीटी के निमित्त नित्य ग्रास निकालना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। गाय को हम नित्य ग्रास निकाल के देते हो, ये हम नियम कर ले कि एक गाय को हम नित्य ग्रास निकालेंगे। तीसरा, हम कुत्ते को भी नित्य ग्रास निकालते हैं। कुत्ता पालने की मनाही है, शास्त्र में कुत्ता पालने की बात नहीं कही गई है, वो नगर सिंह है, नगर सिंह कभी घर में, सिंह कहीं घर में किसी के बंधन में रहता, सिंह तो अपने विचरण में होता है, मान लिया वो नगर में है, हम उसके निमित्त नित्य ग्रास निकाल के उसको देते हैं। चौथा, कौवे के निमित्त भी नित्य ग्रास निकालना चाहिए, माने पक्षियों के निमित्त नित्य हम ग्रास निकालकर छत पर छींकते हैं, उसमें कौवा भी आहार लेगा और जो भी पक्षी आदि होंगे वो भी आहार लेंगे, ये हम नित्य ग्रास निकालते हैं। और पांचवा, कोई द्वार पर अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार करना चाहिए, कोई द्वार पर अतिथि दिखाई पड़े। अच्छा, अतिथि हमारे फूफा जी आ जाए अथवा हमारे बहनोई जी आ जाए, क्या वो अतिथि की श्रेणी में आते? बोले नहीं, अतिथि तो वह है जो बिना निमंत्रण के हमारे दरवाजे पर पहुंचे और हम उसको कोई जरूरी धन दे, जो भी बना है उसको हम खिला दें, वो तृप्त होकर जाए। तो कहते हैं जो जाने अनजाने में अपराध होता है उन अपराधों से प्रायश्चित हो जाता है।